महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रस्तुत यात्रा वर्णन में मॉरिशस के सौंदर्य और वहां फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद और बंबई, मुंबई है तथा जिसके पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव अर्थात इसलिए मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त और हाई कमिश्नर श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र यानी सब जगह एवरीवेयर अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद अर्थात खोज लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। तुर्रा मतलब अनूठापन या यूनिकनेस। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया अर्थात देखा तक नहीं, मानो हम लोग तुच्छातितुच्छ हों और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हों। तुच्छातितुच्छ यानी अत्यंत शूद्र, बिल्कुल छोटा या मोस्ट वर्थलेस। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई हुई सिंहनियों की देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपत से भी बदतर समझे गए अर्थात वे सभी सिंह आपस में ही इतने व्यस्त थे कि उन्होंने लेखक और उनके साथ के अन्य लोगों की उपस्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यहां लेखक ने हास्य का पुट डालते हुए नैरोबी के नेशनल पार्क में सिंहों के स्वच्छंद जीवन का वर्णन किया है। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया
लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरनों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। ताड़ लिया मतलब समझ लिया, अंग्रेजी में टू परसीव। अतएव वे चरना भूल कर चौकन्ने मतलब अलर्ट हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूट कर कुछ हिरन एक तरफ भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। निरापद यानी आपत्ति से रहित या सेफ, अर्थात वे भागने की अपेक्षा अपने झुंड में रहना ही सुरक्षित समझ रहे थे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC या ब्रिटिश एयरवेज के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। अंधेरा था तथा पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। अर्थात हवाई अड्डे पर इतने सारे भारतीयों को देखकर लेखक के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि वे जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक अर्थात चारों ओर फैला हुआ या वाइड स्प्रेड प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा जागृत संस्था है, मतलब सक्रिय संस्था या एक्टिव इंस्टीट्यूशन है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल है। क्रेओल मॉरिशस में बोली जाने वाली भाषा है जो भोजपुरी और फ्रेंच का मिश्रण है। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहां तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बाज बाज शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। अर्थात उसमें फ्रेंच के इतने नाम वाचक शब्द घुसे हैं कि कोई कोई शब्द के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी ने मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधा है, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। प्राणवती यानी जीवंत और लाइवली, चिरायु मतलब लंबी आयु
और लॉन्ग लिविंग। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। प्राणवत्ता अर्थात जीवित होने का भाव, अंग्रेजी में कहेंगे लाइवलीनेस। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। यहां लेखक मॉरिशस में भारतीय संस्कृति के प्रभाव का उल्लेख कर रहे हैं। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। इन पंक्तियों में मालिक शब्द का प्रयोग उन फ्रेंच और अंग्रेजों के लिए किया गया है जो भारतीयों को अनुबंधित श्रम के लिए ले जाते थे। वे चाहते थे कि भारतीय श्रमिक अपनी संस्कृति छोड़कर ईसाई धर्म और संस्कृति अपना लें। परंतु भारतीयों ने न सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाए रखा बल्कि उस द्वीप में भारतीय संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार किया कि वह द्वीप एक छोटे भारत में परिवर्तित हो गया। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय अर्थात शिव जी का मंदिर होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। सुरम्य मतलब अत्यंत मनोहर और वेरी अट्रैक्टिव। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। यहां लेखक ने भारत के तीर्थ स्थलों और मंदिरों को साफ और सुंदर बनाए रखने का संदेश दिया है। वहां का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। एकांतिक अर्थात एक निष्ठ, अंग्रेजी में कहेंगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव। पुण्य धाम मतलब पवित्र स्थान, होली प्लेस। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। कांवर शब्द का अर्थ है भंगी, अंग्रेजी में कहेंगे अ बैम्बू पोल हैविंग स्लिंग्स और बास्केट्स सस्पेंडेड एट ईच एंड फॉर कैरिंग लोड्स। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। वयस्क यानी बालिग 18 वर्ष के ऊपर और अडल्ट, हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने के लिए अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं।